आप सभी को लद्दाख की शुभकामनाएं। और आज मेरे 9वें दिन के अनशन की शुरुआत है। मौसम का बताऊं तो आज फिर एक बदलाव आया है। कल के -10 से आज -3 और ग्लास का पानी आधा जमा है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये मौसम का रहस्य है। जब बादल छाए होते हैं तो तापमान ऊपर उठता है और जब आकाश साफ होता है तो तापमान गिरता है। आप बताएंगे क्यों, इसका ऊर्जा के किरणों से क्या रिश्ता है। बहरहाल इन हालातों में मैं और आज तो यहाँ पर कोई 90 लोग अलग अलग गांवों से मेरे साथ अनशन कर रहे थे -3 में। तो -3 से -17 के तापमान में इतने सारे लोग 9 दिन से भूखे हैं सरकार को, नेताओं को अपने वचन याद दिलाने के लिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो एक ब्लैकआउट सा है, मगर फिर भी हमारी आवाज़ इन नेताओं तक ज़रूर पहुंचती होगी, हमारी उम्मीद है। साथियों, आपने देखा होगा कि आज तक के मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुंचे और हमारे ये नेता देश के उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वरना हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं, जैसे एशिया में मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, जापान में कई फाउंडेशंस हैं, वैसे ही यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन है, नोबेल पीस प्राइज फाउंडेशन है जहां मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर किया था, वैसे ही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो फिर भी हम उन्हें मदद के लिए अभी तक नहीं बोल रहे हैं, मगर अब क्योंकि इतने दिन हुए और हमें एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो हम सोच रहे हैं कि कल से हम अपने सुबह का अपडेट अंग्रेजी भाषा में करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लद्दाख के, हिमालय के पर्यावरण का क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञात हो और उनका भी समर्थन मिले। बहरहाल आप लोगों से ये विनती है कि देश में नेटवर्क्स बने अलग अलग राज्यों में, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर के, और आने वाले रविवार संडे 17 मार्च को आप लोग अपने अपने शहरों में, गांव में छोटे छोटे सम्मेलन करें, हो सके तो एक दिन का अनशन करें और समर्थन जताएं लद्दाख के इस आंदोलन को, जो कि सत्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और पर्यावरण की लड़ाई है। और फिर उसके अगले रविवार यानी कि 24 मार्च को, जब मेरे अनशन का 19वां दिन होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के राजधानियों में भी ऐसे एक दिन के अनशन की योजनाओं के बारे में हम सोच रहे हैं। फिलहाल आप अपने शहर में और गांव में तो ज़रूर कीजिएगा, ये हमारी उम्मीद है। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।